हाय जिया। हाय अंकित, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? यार मेरे को ना आपकी आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। बताइए बताइए। जैसे कि मैं जानता हूँ आप पॉलिटिक्स कवर करते हो ना, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपसे ही पूछ लेता हूँ। जी। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि मैं हो गया हूँ 23 का, मैंने 18 साल पे अपना वोटर आईडी कार्ड तो बनवाया नहीं। अब आ रहे हैं जनरल इलेक्शंस, मेरे को उसमें अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट करके उसे पीएम की चेयर पे बैठाना है। आप बताओ मैं कैसे अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकता हूँ? 18 साल या इससे अधिक का हर कोई व्यक्ति अपने वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए आसान तरीका है, आपको इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और एक सिंपल तरीका है, उसमें बस अप्लाई करना है। ये वेबसाइट है www.nvsp.in। यहां आपको न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स यानी नई मतदाता रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म में आपको अपना नाम, अपना पता, अपनी जन्मतिथि को भरना है। ये सारी जानकारी भर लेंगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगी अहम डॉक्यूमेंट्स की। यहाँ आपसे इन डॉक्यूमेंट्स की जानकारी ली जाएगी। इन डॉक्यूमेंट्स में से आपके पते और जन्मतिथि को कंफर्म किया जाएगा। आपको उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है और इस आसान तरीके से आप अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं और अगले साल आप वोट दे सकते हैं। मतलब इतना ईजी है? ये बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से अपना नाम रजिस्टर करके आप अगले साल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और अगर जैसे कोई अगर इस साल ही 18 का हो रहा है वो कैसे रजिस्टर करेगा? वो भी कर सकता है। अब नए प्रावधान में ये भी है कि आप 18 साल से पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। ओके, मतलब ये तो सारा प्रोसेस आपने काफी सिंपल कर दिया। बहुत जया, बस मेरे एक दो क्वेश्चन हैं, प्लीज आप उन्हें भी बता दिए। ये मैं सुनता हूँ कि नोटा नोटा नोटा, ये नोटा क्या होता है? देखिए, नोटा का फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव। अगर आप किसी भी पार्टी को आप पसंद नहीं करते, आप वोट देने जा रहे हैं, आप उनके कामों से नाखुश हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अरे इस पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया, उस पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया, मैं इन्हें असली दावेदार या फिर हकदार नहीं समझता, तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं, यानी कि आप किसी को वोट नहीं कर रहे हैं। ओके, मतलब तो फिर मुझे वोट करने का जाना ही क्यों है? अगर मुझे नोटा ही दबाना है तो फिर मैं वोट करने क्यों जाऊँ? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये जताना चाहते हैं कि वो सरकार के कामों से खुश नहीं है या फिर संतुष्ट नहीं है। वो अपना नोटा का वोट देकर बताते हैं कि हम नाखुश हैं, आपको शायद कुछ और करने की ज़रूरत है जो हमारे हित में हो और जो देश के हित में हो। ओके, तो मतलब नोटा भी काफ़ी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए भी अभी तक ऐसा हालांकि कोई नियम नहीं आए हैं कि नोटा पे भी कोई सरकार इस पे भी कोई फैसले ले सकती है कि नोटा अगर बहुत लोगों ने दबाया है, अगर कोई परसेंटेज ज़्यादा है, हालांकि अभी तक कोई नियम नहीं है, बट देखिए शायद भविष्य में कुछ ऐसा नियम भी बन जाए। नाइस, बनना भी चाहिए। हाँ, और एक चीज़ और मेरे को आप बताओ कि ये क्या वोटर आईडी सिर्फ हम वोट देने के लिए यूज़ करते हैं या इसके कुछ और भी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं? देखिए, ये वोटर आईडी जो होते हैं वो सब तो जानते हैं कि इसके साथ आप वोट दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप इसका इस्तेमाल सरकारी बहुत सारे कामों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लोन लेना देना हो, आप प्रॉपर्टी के बहुत सारे काम हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप वोटर आईडी के ज़रिए उसका फ़ायदा ले सकते हैं, उसके बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू जो है आपने मतलब इतनी सारी मेरी क्यूरीज ना बस यूँ समझा दी मेरे को। अच्छा अंकित, आप मुझे बताइए कि आपने इतने सारे सवाल पूछ लिए, अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाए तो आप क्या देखेंगे? जी हाँ, मतलब मैंने ना ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर रखी है कि मुझे जनरल इलेक्शन में किन पैरामीटर्स पे वोट करना है, और मेरा एक ही पैरामीटर है वो है एजुकेशन। अगर आपको बेसिक एजुकेशन अच्छी मिल रही है, कॉलेज लेवल पे एजुकेशन अच्छी मिल रही है, तो आप सोसाइटी में आप देखोगे हर चीज़ चेंज हो जाएगी सिर्फ एजुकेशन की वजह से। वो अगर आपकी जॉब हो, आपका सोसाइटी में आपको अपग्रेड हो जाते हो, तो ये सारी चीज़ें सब कुछ एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो आई थिंक एजुकेशन ही मेरा एक मुद्दा है अगले जनरल इलेक्शंस के लिए। तो अंकित, मुझे लगता है आपको अपने सवालों के जवाब मिल चुके होंगे और हमारे कई सारे व्यूअर्स हैं जो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, उनके भी बहुत सारे सवाल होंगे। देश में चुनावी मूड चल रहा है, कई सारे शहरों में चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, तो अगर चुनाव को लेकर आपके मन में भी कई सारे सवाल हैं तो हमें कॉमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कॉमेंट और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।